प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराई वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास में भी, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। थैंक्स लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर द ऑनलाइन सर्विस। सबको ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज द टाइम व्हेन वी गिव इन टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। ये वो समय है जिसमें कि हम प्रभु को देते हैं। आई हैव गॉट एन अपडेट रिगार्डिंग द हरदोई चर्च फॉर विच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। मेरे पास हरदोई चर्च का एक अपडेट है, जो हम भवन का निर्माण कर रहे हैं उसका जो छत है वो अब बन रहा है। देयर इज एन अपडेट दैट द हरदोई चर्च इज रूफ इज गेटिंग मेड। देख सकते हैं क्लिप में किस तरह से यह बन रहा है। If you wish to contribute further for the Hardoi building, or in case you want to just give your regular tithes and offering, you can use the numbers on the screen to contribute. अगर आप प्रभु के भवन के लिए देना चाहते हैं या आप अपना दान दशवांश देना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए अंकों का प्रयोग करके आप दे सकते हैं। May God bless your finances as you give into the house of the Lord. प्रभु आपके धन पे आशीष करे जिस तरह से आप प्रभु को देते हैं। Okay, today I want to teach from the life of Job.
और आज हम अय्यूब के जीवन के बारे में जो है चर्चा करेंगे. We all know about Job. और हम सब अय्यूब के विषय में जानते हैं. And anybody who goes through tribulation in their lifetime or any sorrows, people like to quote about Job. और जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, विपत्ति आती है, हम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, तो लोग अक्सर अय्यूब के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं अय्यूब के विषय में. Okay, how many like history? और कितने लोगों को जो है हिस्ट्री पसंद है? Raise your hand if you like history. आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री पसंद है. Okay, this is the only book in the Bible which can't be figured out when it was written. और केवल अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है जिसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब लिखी गई थी. It's not a historical book because the timelines are not mentioned against the nature of the Bible where it talks about timelines. It talks about in the 7th year of this king or in the 8th year or with a genealogy that this person was born of this and finally is the story of this. So Job doesn't have any of the all this. और अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है अक्सर जैसा हमने देखा है बाइबल जब है हम बाइबल का अध्ययन करते हैं वो हमें बताती है कि कौन सी पुस्तक किस घड़ी लिखी गई, किस साल में लिखी गई या वंशावली उसकी मेंशन होती है. पर अय्यूब की किताब का जब जिक्र आता है बाइबल में, जब अय्यूब की किताब का जिक्र पढ़ते हैं तो उसके बारे में कि वो कब लिखी गई है, उसका वंशावली, इसका कोई जिक्र नहीं है. And Job's story is kind of it invites a lot of debates because in the first chapter the devil is meeting God and they all have a discussion together and then finally whether God allowed it or whether it was it is Satan's ability to come into Job's life. All this has been debated for many years. और अय्यूब के विषय में जब हम बात करते हैं तो कई बार जो है अय्यूब के बारे में बहस भी होती है क्योंकि उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि शैतान जो है वो खुदा के पास जाता है, बात करता है अय्यूब के विषय में. और ऐसा भी लोग कहते हैं कि खुदावा ने अय्यूब को शैतान के हाथों में सौंप दिया था या फिर ये शैतान की काबिलियत थी कि वो अय्यूब के जीवन में उस तरीके से वो घुस गया था. Okay, but my message is not about that. पर जो हम आज चर्चा करेंगे वो उसके विषय में नहीं है. I want to teach that how this God that we are all following is so good in restoration. He is so good in building things back. और हम आज इस विषय में चर्चा करेंगे कि जिस खुदावन की हम उपासना करते हैं, जिस खुदावन के पीछे हम चलते हैं, वो किस रीति से हर एक चीज को हमारे जीवन में बेहतर करने की क्षमता रखता है या दोबारा ठीक करने की क्षमता रखता है. ओके, सो लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू द लास्ट चैप्टर ऑफ जोब, जोब चैप्टर 42. और हम अय्यूब की पुस्तक और उसके 42वें अध्याय की ओर चलेंगे जो उसका आखिरी अध्याय है. एंड चैप्टर 42 एंड वी विल रीड फ्रॉम वर्स 7. और उसका 42वां अध्याय और उसके 7वें पद से पढ़ेंगे. सो दैट्स द होल कॉन्टेक्स्ट 7 to 17. और जो पद है 7 से लेके 17 तक, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे. ओके, सो वर्स 12, वी विल रीड वर्स 12. और जो 12वां पद है उसको पढ़ेंगे. एंड देन वी कम बैक टू वर्स 7 ऑनवर्ड्स लेटर ऑन. वर्स 12 इट सेज, सो द लॉर्ड गॉड ब्लेस्ड जॉब इन द सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ इवन मोर than in the beginning. और हम पहले 12वें पद को पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम 7वें पद की ओर पढ़ेंगे. 12वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी थी. ओके, नाउ स्टॉप रीडिंग दैट एंड ओपन टू जॉब चैप्टर 1. और अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और अय्यूब उसका पहला अध्याय पे चलेंगे. दैट्स द बेनिफिट ऑफ अ पेपर बाइबल, यू कैन कीप वन फिंगर ऑन वन स्क्रिप्चर एंड देन go to the other portion so that you can flip flop, which is not possible on a phone Bible. और ये फायदा होता है अगर हम बाइबल, पेपर बाइबल साथ में रखते हैं कि आप पन्नों के बीच में उंगलियां फंसा के दोनों अध्याय एक साथ पढ़ सकते हैं, पर फोन की बाइबल में हम ये नहीं कर पाते. Okay, so in chapter 1 we find that Job starts off by mentioning who was Job and why was he, you know, so prominent. So it says that there was a man, Job, who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. And then after that, verse 2 onwards, it starts talking about what he had, you know, the prosperity of Job. और यदि हम अय्यूब उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि अय्यूब कौन था, कैसा था, और उसके दूसरे पद से शुरू होता है कि अय्यूब के पास क्या-क्या था. And it says he had 7 sons and 3 daughters. और जैसे दूसरे पद में लिखा है कि उसका 7 बेटे और 3 बेटियां थी. And he had 7,000 sheep. और उसके पास तकरीबन 7,000 भेड़ें थी. And he had 3,000 camels. और 3,000 ऊंट थे.
500 teams of oxen, 500 जोड़ी बैल, and 500 female donkeys, और 500 घड़ियां थी, and he had many servants, और बहुत से दास दासियां थी, he was in fact the richest person in the entire area, और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो उस क्षेत्र में सबसे अमीर या सबसे धनवान पुरुष था। Okay, what's the cost of a goat if somebody knows it? अगर किसी को पता हो कि एक बकरी जो है कितने की मिलती हो? How many are mutton eaters here? कितने लोग जो है मटन खाते हैं? How many love eating mutton? Raise your hand. कितने लोगों को मटन खाना पसंद है? Okay. All those who don't eat, please come after service. I'd like to pray for you all. और जितने लोग मटन नहीं खाते हैं, वो आप सर्विस के बाद जो है पासवान से मिल सकते हैं। पासवान आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Okay. I'm kidding. It's a joke. You can be a vegetarian in God's house also. और ये एक मजाक है, ऐसा नहीं है कि आपको मटन खाना जरूरी है। परमेश्वर के पीछे चलते हुए कुछ भी अपनी पसंद का खा पी सकते हैं। Okay. So, somebody with a cost of a goat. अगर किसी को अंदाजा हो? How much? Okay, 10 to 14,000. एक बकरी शायद 10 से 15 हजार की मिलती है अंदाजन। I think a sheep is an equivalent, you know, because outside India many times they will serve you sheep goat and call it lamb, you know, it's like the same thing. The goats, the khassi is not found there. और जैसे हिंदुस्तान में जो हम देखते हैं बकरियां होती हैं, बाहर के देश में यूजुअली भेड़े होती हैं जिसको लैम कह के परोसा जाता है खाने के लिए। So 7,000 sheep he had. और उसके पास तकरीबन 7,000 भेड़ें थी। So 7,000 into 10,000, let's take the cheapest price. और हम मान के चलते हैं कि एक बकरी या एक भेड़ मान लीजिए तकरीबन 10,000 रुपए की भी होगी, तो उसके पास 7,000 भेड़ें थी। So anybody good in math? 7,000 into 10,000? तो 7,000 into 10,000 कोई 70 lakh. 70 lakh. Okay. So basically, you know, if you have that many sheep, you can buy a property in Gurgaon. Sorry, in Faridabad and Gurgaon also. Pretty much, you know, just with his sheep asset. और हम केवल जितनी भेड़े थी, भेड़ों का पैसा था अयूब के पास, उतने पैसे अगर हमारे पास हों आज की रेट में, तो हम आसानी से फरीदाबाद जैसे शहर में या गुड़गांव जैसे शहर में अपना घर ले सकते हैं। I don't have any idea about the rate of camels. Anybody from Rajasthan? ऊंट का क्या, ऊंट कितने का होता है अगर किसी को अंदाजा हो तो? Okay, no idea. किसी को नहीं पता है कि मतलब तकरीबन ऊंट कितने का मिलता होगा? It's pretty expensive. और ऊंट शायद महंगा होता होगा। Okay, 3,000 camel. उसके पास तकरीबन 3,000 ऊंट थे। Okay, oxen, bull, yeah, bell. Okay. Okay, so you know, the place where I come from, there's a place called Sonpur which has a biggest mela where they actually sell all oxen and cows and buffaloes, you know, all kind of, and there the price is pretty high. और पासवान जहाँ से आते हैं वहाँ एक जगह है सोनपुर, वहाँ पे मेला लगता है जहाँ पे बैल गाय या भैंसे हैं जो बिकती हैं और उनका जो दाम होता है काफी ऊंचा होता है। And the ones who can give milk are really sold at a very good price. और खासकर जो गाय या जो भैंसे दूध देती हैं उनका दाम और ज्यादा अच्छा होता है। Somewhere around 20 to 30,000 also. तकरीबन 20 से 30 हजार भी दाम होता है। Okay, so you can imagine how rich was Job. तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय अय्यूब जो है वो कितना धनवान होगा। एंड द नेक्स्ट वर्सेस यू विल सी दैट यू नो दे हैड अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, दे वर सो काइंड ऑफ दे हैड सो मच दैट दे कुड हैव अ सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड और एवरी डे। और अब अगर हम आगे के पदों में पढ़ेंगे तो हम इससे जानते हैं कि उनके पास इतना धन था कि वो हर हफ्ते जो है फसह कर सकते थे या खुशियां मना सकते थे। एंड एवरीथिंग केम टम्बलिंग डाउन, और एकदम से जो है सारी चीजें जो है बदल गई और हर उनकी जो जीवन की जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल पलट गई। Because of a challenge between God and the devil. और ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदावंद और शैतान के बीच में जो है एक चैलेंज हुआ। Job was upright in his walk with the Lord. और जो अय्यूब था वो अपनी चाल में या अपने जीवन में बिल्कुल खरा उतरा परमेश्वर के साथ चलते हुए। So when he survived that trauma, और जब उसने वो अपना कठिन समय जो है वो व्यतीत कर लिया, एवरीथिंग वॉज gone, you know, in one day he lost all these assets that we are talking about. He lost his entire family apart from his wife, and he lost his house, he lost his reputation. He is no longer the richest man, he was the poorest man in that area. और एक दिन में जो है उसके जीवन में सब कुछ बदल गया, उसके पास जितनी भी धन संपत्ति थी एक दिन में खत्म हो गई, उसके परिवार के लोग खत्म हो गए, केवल उसकी बीवी उसके साथ बची थी
और ये सब जो है एक दिन में सब उसका जो जीवन में है जो सबसे पलट गया, जो जिस शहर का सबसे अमीर या सबसे धनवान पुरुष था वहां सबसे गरीब हो जाता है. ओके, बट लुक एट दिस गॉड ऑफ रेस्टोरेशन व्हेन ही क्रॉसेस दैट टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन. लेट्स नाउ टर्न बैक टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 42. और अब हम देखेंगे कि किस रीति से हमारा खुदावन जो चीजों को पलट देता है, उसने कैसे अय्यूब के जीवन में जब उसका ये कठिनाइयों का समय निकल गया तब उसने अय्यूब के जीवन में कैसा कार्य करा. एंड वर्स 12 और उसके 12वें पद में इट सेज इन द लॉर्ड ब्लेस्ड जॉब इन द सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ मोर देन In the beginning. और 12वें पद में इस रीति से लिखा है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसे उसके पहले के दिनों से ज्यादा अधिक आशीष दी. And it says, you know, then the numbers are given. Now he had 14,000 sheep. और अब जो है यहाँ पे जिक्र है कि उसके पास अब कितनी धन संपत्ति थी. यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां थी. How many sheep did we calculate the price for earlier? 7,000. पहले हमने अनुमान लगाया था कि 7,000 भेड़ बकरियां कितने की होंगी. 7,000 is written there. We calculated the cost in estimation. हमने अनुमान लगाया था कि 7,000 भेड़ बकरियां कितने की होंगी या लागत कितनी होगी उसकी. And that was coming to around 70 lakh. और वो तकरीबन 70 लाख का पड़ रहा था. Now there's a 14 lakh. Sorry, 1 lakh, 1 crore 40 lakh. और अब जब उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां हैं तो हम तकरीबन अनुमान लगा सकते हैं तकरीबन 1,40,00,000 की लागत होगी. 6,000 camels where they had 3,000 camels. और जहां उसके पास 3,000 ऊंट थे अब उसके पास 6,000 ऊंट हैं. 500 teams of oxen versus 1,000 teams of oxen. और 500 जो उसके पास बैल के जोड़े थे अब उसके पास हजारों बैल के and जोड़े 500 हैं. female donkeys and now he has 1,000 female donkeys. और वहाँ उसके पास 500 गधियाँ थी और अब उसके पास हजारों में गधियाँ हैं. So you see how the Lord has lifted him up. और हम देख सकते हैं कि इस रीति से परमेश्वर ने दोबारा उसे अपने पैरों पे खड़ा करा और ऊंचे पे उठाया. And then it Bible also says that okay that's not only monetary, it's extension in his family also. He had you know 7 more sons and 3 daughters. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन संपत्ति पे चीजें आके रुक गई. जब उसका परिवार उस समय खत्म हो गया तो परमेश्वर ने उसे फिर आशीषित करा और उसको आगे लिखा है 13वें पद में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई. So I tried to figure out through my study that what was the time duration of his tribulation. और पासबान ने जो है अध्ययन करके कोशिश करी कि वो अध्ययन कर सके कि कितना समय रहा होगा जब उसने वो पीड़ा या पीड़ा उठाई होगी या जब वो परेशानियों में रहा होगा. I figured out that it's difficult to figure out that in the book of Job, which is not a historical book, it doesn't talk about a timeline or seasons. और जब पासबान ने अध्ययन करा तो उन्हें समझ आया कि अय्यूब की किताब पढ़ने से या अय्यूब की किताब के को अध्ययन करने से शायद ये बताना मुश्किल होगा कि कितना समय रहा होगा क्योंकि इस किताब में जो है कोई भी साल या कोई भी वर्ष या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है. बट व्हेन आई लिसन टू द स्कॉलर्स एंड सम हिब्रू रबाइज दे से दैट इट्स प्रोबब्ली 2 इयर्स. और यदि अगर हम किसी इब्रानी रबाई को सुनते हैं या जो ऐसे लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की उनके हिसाब से तकरीबन 2 साल की विपत्ति का टाइम रहा होगा. एंड मेनी हैव द यू नो थॉट प्रोसेस दैट इट्स एक्चुअली 3.5 इयर्स लाइक 42 वीक्स दैट इंक्लूड्स दैट मैचेस द ट्रिबुलेशन मेंशन इन द बुक ऑफ रेवलेशन दैट ही एक्चुअली वेंट थ्रू दैट एज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज सपोज्ड टू कम. और कई लोग मानते हैं कि शायद 42 हफ्ते या 3.5 महीने मान लीजिए क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कुछ ऐसा जिक्र है 42 हफ्तों का. तो कई लोगों का मानना है कि तकरीबन 3.5 साल उसका ये परीक्षा का समय या विपत्ति का समय रहा होगा. So let's take it 3.5 years. तो हम मान के चलते हैं कि अय्यूब के जीवन में ये जो पीड़ा का समय या विपत्ति का समय था तकरीबन 3.5 साल का था. No asset appreciates double its amount in 3.5 years. और ऐसा कुछ भी नहीं होता है आजकल की दुनिया में भी कि 3.5 साल में हमारी धन संपत्ति जो है वो दुगनी हो जाए. I bought a house in 2017. और पासबान ने सन 2017 में घर लिया था. If I was Job, then he would have, you know, it would have appreciated like 100%. और अगर पासबान कह रहे हैं कि वो अय्यूब होते तो तकरीबन 100% जो है उसका मुनाफा हो जाता है, वो डबल हो जाता. When my property has gone up just 10%. और जबकि जो उनका घर है वो केवल 10% से आगे बढ़ा है या उसकी वैल्यू बढ़ी है. I want to encourage you that you are following this God of restoration. और हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे कि आप उसी खुदावन के पीछे चल रहे हैं जो हर चीज या हर परिस्थिति को पलट सकता है. And when there's a loss, और जब आपके जीवन में कोई नुकसान आता है you sometimes might think that oh this loss is so big I'll bear it all my life.
और कई बार शायद आप सोचने लगते होंगे कि नुकसान जो मेरे जीवन में पड़ा है शायद ये मुझे पूरी जिंदगी अपने साथ रखना पड़ेगा, ऐसे इस नुकसान को ढोना पड़ेगा। But the Lord is teaching from the Bible, from the man who received the greatest loss in his life, the one who had maximum assets going down in one day. He's speaking out and saying that my God is able to bring back 100-fold in just 3.5 years maximum and bless me in a double portion. और हम अय्यूब से ये बात सीखते हैं जिसने शायद एक दिन में अपनी सारी धन संपत्ति खो दी थी, एक ऐसा शख्स रहा होगा जो आज तक जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान सहा होगा, वो हमें ये बात सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जो हमारी जीवन की परिस्थिति को या हर नुकसान को जो है 100 गुना फायदे में बदल सकता है। How many of you have faced loss in your life? आप में से कितने लोगों ने जो है अपने जीवन में नुकसान उठाया है? Okay, raise your hand if you have faced loss. अगर आपने नुकसान उठाया है आप हाथ उठा सकते हैं। Okay, how many feel that it's still hurting to you? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो नुकसान हमने उठाया है वो आज भी शायद हमें कोई दुख देता है? Okay, I want to encourage you from this word that Job actually received double the portion. You know, that loss was of no value because what God gave him in the latter part of his life, Bible actually claims, it says that, and the Lord blessed Job double in the second half of his life. और हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे कि वो नुकसान चाहे जैसा भी रहा हो, जैसा बाइबल बताती है कि अय्यूब के लिए खुदावन ने जो है चीजों को दोबारा दुगना कर दिया था, परमेश्वर हमारे लिए भी वही काम करेगा। Okay, many people also think that you know they have lost critical time in their life. और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का जो है बहुत ही एक अच्छा समय या विशेष समय खो दिया है। Because of that, they cannot now reach to that place or juncture where they should have. और उन्हें शायद ये लगता होगा क्योंकि उन्होंने उस समय खो दिया है, तो जिस जगह पे या जिस जगह वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते थे अब वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। I want to encourage you. और हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे। Time is in His hands. कि परमेश्वर जितना भी जो भी समय है हमारे जीवन का वो सब परमेश्वर के हाथ में है। He is the author and creator of time. और उसी ने हमारे लिए समय को रचा है और सृजा है। So in case you have lost 10 years, और अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन के 10 साल खो दिए हैं, or 5 years, या 5 साल खो दिए हैं, or maybe 7-8 years in going for the wrong course or the wrong study in your life, और अगर आपको लगता है कि शायद कोई गलत निर्णय की वजह से आपके जीवन के 7 या 8 साल जो है खराब हो गए, or lost time because you didn't study at the right time, और हो सकता है आपको ये लगता हो कि शायद सही समय पे पढ़ाई ना करने से आपके जीवन के कुछ वर्ष जो है वो वेस्ट हो गए या खराब हो गए हैं। आई एम नॉट गिविंग यू अ फेसबुक यू नो काइंड ऑफ अ फेसबुक टॉक ऑफ यू कैन डू इट नाउ, यू नो नथिंग इज टू लेट। I want to tell you, you can do it only if you trust in the Lord like Job did and believe in a miracle that only Lord can do in your life. और ऐसा नहीं है कि जैसे Facebook पे हमारे पास जो है motivational quotes आते हैं कि आप अभी भी कर सकते हैं, हम ऐसे आपको उत्साहित नहीं करना चाहेंगे हाँ, पर हम ये बताना चाहेंगे कि यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो जीवन में जितना भी नुकसान या जितने भी समय का नुकसान आपके जीवन में हुआ है वो परमेश्वर उसकी भरपाई कर सकता है। Okay, I want to give you some example from my life. और पासवान जो है अपने जीवन से कुछ एग्जांपल्स हमें देना चाहेंगे। From the year 2004 to year 2011, सन 2004 से लेकर सन 2011 के बीच में, I almost gave a tax of approximately from 70,000 to 1 lakh. और पासवान ने इन वर्षों में तकरीबन 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जो है टैक्स भरा है। Every year, every financial year. हर साल, हर financial year पे। The tax was higher that time. और उस समय जो टैक्स था वो ज्यादा होता था। There was no bracket of no tax under 5 lakh that time. और उस समय ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल टैक्स में जब हम टैक्स भरते हैं तो 5 लाख की इनकम तक जो है वो इनकम टैक्स फ्री होती है, तब ऐसा नहीं था, तब पूरी जो हम पूरी तनख्वाह पे जो है टैक्स लगता था। बट देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन शो, यू कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट, यू कैन ओपन सम सेविंग्स अकाउंट, और यू कैन you know invest in a government scheme and then you can get all the rebate, and many of my co-workers were doing that. aur us samay aisa hota tha ki tax bachane ke aur bahut alag se zariye hote the ki aap savings dikha sakte the ki aapne yahan nivesh kar rakha hai ya government policies mein nivesh kar rakha hai, uske zariye se aap apne tax ko bacha sakte the. That time I wasn't married. aur us samay pasvan ki shaadi nahi hui thi. And I think I was very rich and there's no point in saving that money. और उस समय पासवान को ऐसा लगता था कि वो बहुत अमीर है और इस समय पैसा बचाने का उनको ख्याल नहीं आता था या उनको सही नहीं लगता था कि अभी क्या पैसा बचाना। You know, then I started reading some Jewish lifestyles and
in 2000 after 2012 13 और सन 2012 और 13 में जो है पासबान ज्यूइश किताबें या ज्यूइश अध्याय पढ़ने लगे एंड आई थॉट आफ्टर रीडिंग दैट आई थॉट दैट आई हैव रियली मेस्ड अप इन दोस 7 इयर्स एंड इफ दोस 7 इयर्स आई वुड हैव सेव्ड आई वुड हैव हैड एनफ मनी टू एक्चुअली गिव अ अपफ्रंट पेमेंट फॉर अ प्रॉपर्टी और तब पासबान को जब उन्होंने वो ज्यूइश अध्याय पढ़े या उसका मनन करा तब उन्हें ये बात समझ आई कि पिछले 7 साल में अगर उन्होंने पैसा जोड़ा होता तो जिस समय वो खड़े हैं या 2012 सन 2013 में उनके पास इतनी सेविंग्स होती कि वो घर के लिए डाउन पेमेंट कर सकते थे एंड आई थॉट दैट ओके दो 7 इयर्स आर यू नो नाउ गॉन एंड आई कांट गो बैक यू नो एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग बाय पिंक फ्लॉयड इट्स कॉल्ड टाइम एंड इट्स गॉट वंडरफुल लिरिक्स इट सेज दैट so you run to catch up with the sun, but it's sinking. Running behind to come up behind you again. Sun is the same in a relative way, but you are older, shorter of breath, and one way closer to that. What it means is you run behind the sun, but the sun goes down, and then it comes back again. The sun age, it doesn't matter, but you are one day lesser in life. और पासवान जो है उनको ये लगता था कि जो पिछले 7 वर्ष हैं शायद वो उनके जीवन के खराब हो गए हैं और एक म्यूजिक बैंड है जिसका नाम पिंक फ्लॉयड है एक गाना है टाइम उसमें कुछ इस प्रकार से जिक्र है कि हम जो है सूरज के पीछे भाग रहे हैं और सूरज जब हम सूरज के पीछे भागते हैं सूरज जो है वो ढल जाता है फिर दोबारा निकलता है तो जो सूरज है उसकी उम्र तो नहीं बढ़ रही या घट रही पर जब हम सूरज के पीछे भाग रहे हैं तो हमारा समय या हमारी उम्र जरूर घट रही है सो आई थॉट दैट 7 इयर्स आई कुड हैव सेव्ड ऑलमोस्ट लाइक 50k एवरी ईयर आई कुड हैव सेव्ड एंड यू नो विद द इंटरेस्ट इट कम्स आउट टू अ डीसेंट अमाउंट एंड देन आई थॉट दैट ओ आई हैव रियली मेस्ड अप इन दैट एरिया और उस समय पासवान को ये लगा कि पिछले 7 साल में तकरीबन 50,000 रुपये हर साल में बचा के सेविंग कर सकता था उस पर इंटरेस्ट मिलता ब्याज मिलता वो अलग और एक अच्छा अमाउंट 7 साल में इकट्ठा हो जाता But then I read about Job. और तब पासवान ने जो है अय्यूब के बारे में पढ़ा एंड आई सॉ एंड आई वाज अमेज्ड बाय हिज नंबर्स दैट हाउ जोब हैज नॉट मेंशनड हिस्टोरिकल टाइम्स एंड डेट्स But he has mentioned the number of assets that he has. You know, he's not a number person. You know, the writer of Job is not a number person. He's not a historical person. But somehow, he loves to give an account of the assets that Job has and what was the final asset that he has in the last chapter after God blessed him. और जैसे अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कोई सन या कोई वर्ष मेंशन नहीं है पर कितनी धन संपत्ति थी इसके आंकड़े जरूर मेंशन है और ये पढ़ के हमें बहुत आशीष मिलती है कि कैसे परमेश्वर ने उन आंकड़ों को डबल कर दिया था एंड व्हेन आई थॉट दैट लॉर्ड आई हैड टू गिव सो मच टैक्स एंड आई वाज नॉट एबल टू सेव इवन दो देयर वाज पॉलिसीज टू सेव दैट देन यू नो समथिंग केम विद द गवर्नमेंट पॉलिसी ओनली सेक्शन 44 सब 45 आई डोंट नो द एग्जैक्ट सेक्शन दैट सेज दैट एंटरप्रेन्योर्स देयर इनकम इज एक्चुअली इज टैक्स्ड एट हाफ लेवल यू नो दे आर नॉट टैक्स्ड एट द फुल अर्निंग्स ऑफ द ईयर दे आर जस्ट टैक्स्ड 50% या और उस समय कुछ ऐसा हुआ पासवान को लगा कि अगर उन्होंने पैसे बचाए होते तो कुछ और होता पर ये पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि परमेश्वर जो है चीज़ों को बदल सकता है और उस सन में टैक्स की थोड़ा रिविजन हुआ और ऐसा आया कि जितने लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं उन्हें सिर्फ अपनी आधी कमाई पर जो है वो टैक्स देना है And that really benefited me because I was an entrepreneur through my company. You know, it's like I was the only one so in the country so the company used to hire me as a contractor every month you know so that continued for very long aur us samay ye jo hai pasban ke liye bahut hi zyada labhdayak nikla kyunki pasban us tarike se us samay ek tarike se unka khud ka vyavsay tha kyunki company unhe contractual basis pe hire karti thi pure india ke liye aur ye unke liye jo hai labhdayak nikla and then I thought that lord can even change policies to benefit you aur tab unhe ye unhe pata laga ki parmeshwar aapke labh ke liye cheeze badal sakta hai chahe wo policies kyun na ho and then I understood because I didn't save that time the lord is giving me you know he's changed the structure so that it just anyways becomes my saving aur parmeshwar ne tab unhe realize hua ki parmeshwar ne unke jeevan mein ki ab unhone un 7 saalon mein paise nahi jode the ya bachaye the ab parmeshwar ne cheeze उनके फेवर में कर दी हैं और इस रीति से कर दी हैं कि अब वो उसकी भरपाई करके सेव कर सकते हैं ओके आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ये सिर्फ एक एग्जांपल है सो आई वांट टू एनकरेज यू इफ यू हैव एनी लॉस इन योर लाइफ और हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है आपके जीवन में कुछ नुकसान हुआ है एंड इट कैन बी ऑफ एनी टाइप
और वो किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है. You can even think, oh, if I had gone to the doctor at the right time, my glaucoma wouldn't have been bad. If I had gone to the doctor at the right time, you know, my diabetes would have been in control. You know, you don't need to repent of all this. Your God is a God of restoration. और यदि आपको लगता है ये सिर्फ धन संपत्ति से related नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी और समय का नुकसान हुआ है, जैसे अगर आपको लगता है कि अगर हम सही समय पे इस चीज को दिखा देते तो शायद ये बीमारी हमें नहीं होती, या अगर हम सही समय पे किसी को कंसल्ट कर लेते तो शायद ये हमारी परिस्थिति इस समय जीवन में नहीं होती. हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर जिसके हम पीछे चलते हैं वो हर चीज को बदलने की और पलटने की क्षमता रखता है. एंड दैट्स ट्रू इवन इन केस यू हैव लॉस्ट मेनी इयर्स एट द सेम प्रोफाइल एंड योर जॉब, और यू हैव लॉस्ट मेनी इयर्स एज अ स्टूडेंट, और प्रोबब्ली यू हैव नॉट बीन एबल टू पास एट द राइट टाइम, यू नो, एंड देयर इयर्स वेस्टेड. The Lord can just, you know, change it in minutes. You know, He's a miracle-doing God, and He loves to do restoration. He likes it. You know, He has stories of restoration all throughout the Old Testament and the New. How when people see the miraculous and the power of God completely change their scenario. और यदि आपको लगता है कि आपने अपने जीवन के वर्ष जो हैं वो इस रीति से वेस्ट कर दिए कि आप सही समय पे पढ़ नहीं पाए, या सही समय पे अपनी जॉब में अपने व्यवसाय में ग्रो नहीं कर पाए, तो हमको इस बात का विश्वास करना ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थिति को पलट सकता है, चाहे वो पढ़ाई के साल हों, चाहे वो हमारे व्यवसाय के साल हों, चाहे हमारे नौकरी के साल हों. हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति को पलट के हमारे लिए बेहतर कर सकता है. That doesn't mean that you go home today, start doing nothing, and then if somebody parents are asking, what are you doing? Not doing anything, sir. God of restoration, you know. और इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर जाके खाली बैठ जाएं और बोलें कि अब मैं खाली रहूंगा, और परमेश्वर, अगर आपके माता पिता आपसे पूछें कि तुम घर में खाली क्यों बैठे हो, तो आप उन्हें जवाब दें कि परमेश्वर जो है हर परिस्थिति को पलट देगा, ऐसा नहीं है. You know, then another scripture comes for you. और फिर उसके बाद एक और पद है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं करने का. That's if you don't work, you should not eat. That's for today. और ऐसा पद भी लिखा गया है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको खाना नहीं चाहिए. So I want to just encourage you to trust in this God of restoration. Whatever losses you had, you know, you don't need to feel, you know, sorrowful about that. You don't need to think that, oh, it's been a great loss in your life, because the one who had maximum losses in his life in the Bible, Job, he was doubly restored. He was fully restored, and that too at a gap of maximum 3.5 years. और हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे कि जैसा हमने अय्यूब के विषय में पढ़ा है, उसने शायद आज तक का सबसे भारी नुकसान अपने जीवन में उठाया होगा, और 3.5 साल में परमेश्वर ने दुगनी आशीषें उसे दी. इसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा. बस हमें अपना भरोसा अपने खुदावन पर रखना है कि खुदावन हमारे लिए हमारे हर नुकसान को बदल के हमारे लिए भी दुगनी आशीष कर देगा. यू नो, मेनी टाइम्स वी कैलकुलेट, इफ आई गो बैक इन 2005, आई वुड डू दीस 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 थिंग्स. और कई बार शायद हम ये सोचते हैं कि हम समय में अगर 2005 या किसी भी सन में या पास्ट में चले जाएं, तो शायद हम ये चीजें कर सकते थे. If I have a time machine, I can go back. और कई बार शायद ये भी सोचते होंगे कि अगर टाइम मशीन होती तो हम अपने पास्ट में जाते. Stop thinking that. और ऐसा सोचना आप बंद कर दीजिए. Jesus is your time machine. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वो टाइम मशीन है. He is your time machine who can draw back the time that you have lost into your life. क्योंकि यीशु मसीह वो समय जो हमने खो दिया है, या जिसका वो समय का जो हमारे जीवन में नुकसान हो गया है, यीशु मसीह उसकी भरपाई हमारे जीवन में कर सकता है. Can we all stand? क्या हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं? Paul also wished that he was, if time comes back, he would not spend time persecuting God's people. Paul. और पौलुस भी शायद ये सोचता था कि अगर वो समय में पीछे जा सकता तो वो खुदावन के लोगों को परेशान ना करता. But then he understood that that was the way the Lord brought him. पर परमेश्वर उसे ये बात समझ आई कि शायद यही रीति थी कि परमेश्वर के नजदीकी में वो आता. And today, that's a word for all of us. और यही जो है शब्द या यही वचन आज हम आप सब लोगों को साथ बांटना चाहेंगे. So I'm going to talk about certain areas where you think that you have already lost time. और हम उन बातों के विषय में बातें करेंगे जो लगता है कि शायद आपके जीवन में नुकसान आपने उठाया होगा. Can you close your eyes and just try to identify? और आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और सोच सकते हैं, जब हम जिक्र करते हैं उन बातों का, जो बात आपके लिए रेलेवेंट है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं. If you think you have lost time in your career, अगर आपको लगता है कि आपने अपने नौकरी में या अपने करियर में समय को खो दिया है, you were at the wrong company at the wrong time, or maybe you didn't start at the right time.
या अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी गलत कंपनी या किसी गलत जॉब में थे या शायद आपने अपनी नौकरी जो है सही समय पे शुरू नहीं करी, Can you tell the Lord, Lord, I trust in this God of restoration. और तब आप परमेश्वर की ओर हाथ उठा के कह सकते हैं कि खुदावन हम आप पे भरोसा करते हैं कि आप हमारे लिए हर एक चीज को बदल देंगे. If you are one of them, can you just lift up your hands right now, show it to the Lord, say that, Jesus, I have lost that time, but I trust in your abundance. I trust that you can just change things around. और यदि आपको लगता है कि आपके करियर में ऐसी कोई समय है जो आपने खो दिया है या जिसका नुकसान आपने उठाया है, आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर वो परिस्थिति आपके जीवन में पलट दे. Okay, now the next one, if you think that you have lost on education, probably because the finances were not right or maybe nobody told you about what, nobody guided you on what to do, how to do, what was the right course to do, if you think you are the one, can you just ask, tell the Lord, Lord, I listened to the story of Job, as he got losses and you restored double portion. I pray that you will restore double portion for me right now. और यदि आपको लगता है कि पढ़ाई में शायद आप पीछे रह गए हैं, आपने पढ़ाई का नुकसान उठाया, किसी रीति से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, शायद आपको सही गाइडेंस नहीं थी या आपको नहीं समझ थी कि क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस समय आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और जिस रीति से परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में परिस्थितियों को बदला था, आपके जीवन में भी वो करेगा. If you think that, you know, certain investments you didn't do at the right time, had you done those investments, you might have a house, you might have a good asset, you might have a good mutual fund or some saving, can you just come before the Lord and the Lord, Lord telling you right now that I am a God of restoration. Whatever investment you have lost at the wrong time, I can do a miracle in that also. और यदि आपको लगता है कि आपने शायद सही समय पे निवेश नहीं करा, अगर आपने कहीं निवेश करा होता तो शायद वो सेविंग्स आज आपके लिए डबल होती. आप अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उस परिस्थिति को आपके जीवन में बदले और आप उस लाभ को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें. और इफ यू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट रिलेशनशिप और प्रॉब्ली यू डिडंट चूज द राइट पर्सन और द राइट रिलेशनशिप और you know, something happened where you missed the opportunity. Can you tell the Lord that, Lord, my relationship with you is beyond all, and I know that you can restore everything. और यदि आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा रिलेशन था जो शायद आपके जीवन में काम नहीं करा या जो आपके साथ नहीं रहा, आप अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर कह सकते हैं कि जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है वो सब रिश्तों से बड़ा है और उस रिश्ते की वजह से हमारे जीवन के सारे रिश्ते जो हैं वो दोबारा ठीक हो सकते हैं. Lord, today we choose not to look at the losses. और आज परमेश्वर हम ये चुनते हैं कि हम अपने नुकसान को ना देखें. Not because we want to positively think, but we trust in you, Lord, as you are the one who advises us not to do that, as you are capable, that nothing is impossible. और हम अपने नुकसानों को शायद इसलिए नहीं सोच रहे कि हम सकारात्मक सोचते हैं, पर हम इसलिए सोचते हैं या इसलिए हम अपने नुकसानों की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपना पूरा विश्वास खुदावन पर रखते हैं. इट कैन बी इवन एन एक्सीडेंट और अ रॉन्ग स्टेप और अ रॉन्ग स्टेटमेंट और अ रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ. कैन यू टेल द लॉर्ड दैट, लॉर्ड, आई डू नॉट वांट दिस टू हाउंट मी एनी लॉन्गर एज आई हैव रेड दिस. और जैसा कि हमने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा है, हम चाहते हैं अगर हमारे जीवन में हमने कोई गलत निर्णय लिया हो या हम किसी गलत दिशा में चले गए हों, हम इस अय्यूब की विषय किताब के बारे पढ़ने के बाद हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारे जीवन में आगे को चल के हर चीज अच्छी होगी. Okay, as your eyes are closed, I want to give you one verse, read it out to you as a promise. और जब हमारी आंखें बंद हैं, हम एक पद को पढ़ेंगे और वो पद जो है एक प्रॉमिस की तरह आपके जीवन में काम करेगा. I'm going to read verse 10 of chapter 42. और अय्यूब उसका 42वां अध्याय और उसके 10वें पद को हम पढ़ेंगे. It says, when Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. और उसके 10वें पद में कुछ इस रीति से लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया. Then all his brothers, sisters and former friends came and feasted with him in his home. तब उसके सब भाई बहन और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके पास और उसके संग भोजन किया. And the last part says, and each of them brought him a gift of money and a gold ring.
और जो उसका आखिरी हिस्सा है वो ये बताता है कि जितने भी वहां पर आए वो सब उसके लिए एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी. And they consoled him, confronted him in the middle because of his trials. The Lord has gone, you know, it's like, it's joyful. It's like the same feasting, but this feasting has a sense of peace. This feasting has a sense of, you know, an adventure with the Lord. It's this feasting is a sense of surety. As how the Lord is in control. और ये वही लोग थे शायद जो विपत्ति के समय में अय्यूब को ताने दे रहे थे या अय्यूब के साथ नहीं खड़े थे, पर अब जब वो अय्यूब के साथ सहभागिता रख रहे हैं तो ये जो सहभागिता है ये उनके जीवन में परमेश्वर के वसीले से है और एक मान के चलिए एक शांति की सहभागिता है या उनके लाइफ में जो है एक खुशी की सहभागिता है. Okay, can we all stretch forth our hands towards heaven right now? और हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं. Can you repeat after me? और हम परमेश्वर पासवान के पीछे बात को बोलेंगे. I won't talk about my losses because my God is capable. और मैं अपने नुकसान के विषय में बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरा खुदावन हर एक चीज को पूरा करने में काबिल है. Okay, can you repeat it? क्या आप इस बात को दोहरा सकते हैं? I won't talk about my losses because my God is capable to give me even more. और मैं अपने नुकसानों के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद इतना काबिल है कि वो हमें दुगना लफेर के और ज्यादा देगा. I trust in the God of restoration. और मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ जो हमारे लिए चीजें बदल देता है. Thank you, Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद. Amen. God bless you. Have a wonderful week ahead. Make sure you meet with each one before you leave.